दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम आपको कुछ नया चीज़ पढ़ाने जा रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं लिखा है भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण सूत्र, वो भी टॉपिक वाइज, ठीक है। तो जो बच्चे आपका क्लास 9, 10, 11, 12 तथा और किसी अन्य चीज़ की तैयारी करें, उन सभी के लिए यहाँ पे टॉपिक वाइज सूत्र लिखने चल रहा हूँ। तो उनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, अच्छे से याद रखिएगा, ताकि वो आप कोई भी एग्जाम दें तो इन सभी सूत्रों का यूज काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो चलिए हम पहले टॉपिक वाइज शुरू करना। तो पहले टॉपिक वाइज पहला टॉपिक जो लेते हैं, तो पहला टॉपिक है यहाँ पे आपका सदिश और अदिश, या जिसे कहते हैं सदिश विश्लेषण, ठीक है। तो इस टॉपिक से कुछ आपके जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं उन सूत्रों को हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, जैसे मान लीजिए पहला सूत्र है आपका कि कोई दो वेक्टर हैं जो किसी थीटा कोण पर झुके हुए हैं एक दूसरे से, तो उनके परिणामी का फार्मूला क्या होता है, रिजल्टेंट का। तो परिणामी का फार्मूला होता है आपका r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। तो दो वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच का कोण थीटा, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है आपका क्या होता है, आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है, ठीक है। अगर ये बात करें इन दोनों के बीच के कोण का, हम बात करें तो इन दोनों के बीच का कोण एक tan अल्फा होता है, तो वहाँ पे ये tan अल्फा बराबर आपका होता है बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी cos थीटा, ठीक है। ये रिजल्टेंट है, और ये जब इन दोनों वेक्टरों के बीच कोई रिजल्टेंट है उसके बीच का कोण क्या थीटा होता है, कुछ इस प्रकार। जैसे आपको कहा जाए ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी, ये परिणामी वेक्टर आ, यहाँ पे कोण अल्फा हो, तो उस समय परिणामी और दो सदिशों के बीच कोण दिया हो, तो उस समय आपको ये फार्मूला लगाना है, ठीक है। तीसरा फार्मूले की बात करें तो होता है आपका अदिश गुणनफल, क्या होता है आपका दो सदिशों का अदिश गुणनफल। तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल जो होता है आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर आपका होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है आपका ए बी कॉस थीटा, ठीक है। और चौथा सूत्र की हम बात करें तो सदिश दो सदिशों का सदिश गुणनफल, दो सदिशों का सदिश गुणनफल की हम बात करें तो आपके ये होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर आपका होता है ए बी साइन थीटा, ठीक है। तो ये दो फार्मूले और हैं इसमें, ठीक। तो इनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा ताकि आप भूलें ना, आपको कोई भी एग्जाम दे उसमें आपको क्या हो, मदद मिलती है। अगर हम बात करें आप दूसरे टॉपिक की, तो दूसरा टॉपिक की अगर हम बात करें तो आपका है रेखीय गति, दूसरा आपका क्या है रेखीय गति है, तो दूसरा आपका क्या है रेखीय गति, दूसरा टॉपिक आपका क्या है रेखीय गति, ठीक है। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, आप उसको देख लीजिए, ठीक है। जैसे हम बात करें, पहले आप पढ़े होंगे चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर आपका क्या होता है दूरी बटे समय, ठीक है। पहला आपका चाल बराबर दूरी बटा समय, दूसरा आपका वेग बराबर पड़े होंगे वेग बराबर विस्थापन बटे विस्थापन बटे क्या होता है आपका समय, ठीक है। तीसरे की अगर हम बात करें तो त्वरण, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे समय, या इसे कुछ इस प्रकार से लिखते हैं त्वरण बराबर अंतिम वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समयांतराल, समयांतराल।
अगर इसे आप जिस वर्ड अक्षर में प्रदर्शित करते हैं अगर उसके रूप में लिखा जाए, त्वरण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से। तो ए बराबर अंतिम वेग जो होता है आपका वी होता है माइनस प्रारंभिक वेग आपका यू होता है बटे समय क्या होता है डेल्टा टी। ठीक है, तो ये आपका इस अगला सूत्र है। ठीक है, चलिए देखते हैं और जो आपका सूत्र है, जैसे आपका दिया है गति के समीकरण के, गति के समीकरण। ठीक है, अब इसके जो संबंधित सूत्र है टॉपिक दूसरा ही आपका गति के समीकरण में। पहला जैसे समतल पर गति कर रहा हो, कहां पे समतल पर जब कोई वस्तु गति कर रही है, समतल पर जब कोई वस्तु गति कर रही हो, गति कर रही हो तो उसके लिए जो फार्मूला होता है आपका, देखिए तो उसके लिए तीन समीकरण आप पढ़े। पहला जो समीकरण होता है आपका, ठीक है, जो पहला समीकरण होता है आपका ये v बराबर u प्लस at। जो दूसरा समीकरण होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और जो तीसरा समीकरण होता है आपका ये होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ काउंट सिंबल किसको प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो v जो होता है आपका अंतिम वेग होता है, v क्या होता है आपका अंतिम वेग होता है। ठीक है, u क्या होता है आपका प्रारंभिक वेग होता है। ठीक, और s क्या होता है विस्थापन होता है, s क्या होता है आपका विस्थापन होता है। ठीक है, t क्या होता है आपका समय होता है। ठीक है, और a जो होता है आपका क्या होता है त्वरण होता है, और एक यहीं पे और लिख दे रहे हैं इस माल जी क्या होता है गुरुत्वी गुरुत्वी त्वरण, ये क्या होता है आपका गुरुत्वी त्वरण होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए ये तो समतल पर गति करने के लिए था। अब दूसरा हम आपको बता रहे हैं जब ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति करे, तो जब ऊपर की ओर गति करती है, जब कोई वस्तु आपकी ऊपर की ओर गति करती है तो उस समय आपका जो है ये जो स्मॉल ए क्या होता है आपका रेखीय त्वरण होता है। आपका क्या होता है रेखीय त्वरण। उस समय जब ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति करती है तो स्मॉल ए जो होता है वो माइनस ऑफ जी के क्या होता है बराबर हो जाता है, माइनस ऑफ जी के क्या होता है बराबर। तो अब गति का जो समीकरण होगा जब वस्तु ऊपर की ओर गति कर रही होती है तब उस समय आपका वी बराबर यू माइनस ये जी टी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका जो एस बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो वहां पे क्या हो जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। तीसरे की हम बात करें तो तीसरा जब आपका होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर तो वहां पे माइनस टू जी एस हो जाएगा। ठीक है, ये जब ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति करती है और ये जब क्या है समतल पर गति करती है। ठीक है, तो अब तीसरा आपको हम बताने चल रहे हैं, अब आपको जो तीसरा बताने चल रहे हैं, तीसरा क्या है आपका जब नीचे की ओर गति करे, जब क्या करे जब वस्तु नीचे की ओर गति करे, यानी कि जब कोई वस्तु ऊपर से कहाँ है नीचे आए तब उस समय जो आप गति का समीकरण होता है आपका ए बराबर क्या हो जाएगा ए बराबर आपका होता है प्लस का जी। ठीक है, तो पहला जो समीकरण हो जाएगा आपका v बराबर u प्लस जी टी हो जाएगा। जो दूसरा समीकरण होगा s बराबर वो हो जाएगा आपका यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। और जो तीसरा समीकरण होगा आपका v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा u स्क्वायर प्लस टू जी एस। ठीक है, यहीं पे एक और समीकरण की बात कर लेते हैं। ठीक है, चौथे नंबर पे जब कोई वस्तु ठीक है nवे सेकंड में कोई दूरी चलती है, nवे समय में दूरी तय करे तो दूरी चलती है तो उसके लिए जो फार्मूला होता है आपका, ठीक है, तो sn बराबर होता है आपका u प्लस
ए बाई टू, ठीक है, टू एन माइनस वन, ठीक है, टू एन माइनस वन होता है, ठीक है। चलिए देखिए अब प्रक्षेप से संबंधित हम फार्मूला लिख लेते हैं। तो प्रक्षेप प्रक्षेप गति, आपका जो दो टॉपिक हो गए, तीसरा टॉपिक है आपका प्रक्षेप गति संबंधित जो भी आपके फॉर्मूले उसे हम लिख लेते हैं। कुछ जो सैंपल वहां प्रयोग होते हैं उसको लिख लेते हैं। थीटा जैसे होता है, थीटा क्या होता है आपका प्रक्षेप कोण होता है, क्या होता है प्रक्षेप कोण होता है, ठीक है। थीटा क्या होता है आपका प्रक्षेप कोण होता है। यही पे टी होता है कैपिटल टी, ये उड्डयन काल होता है आपका, उड्डयन काल होता है, ठीक है। और हम बात करें यहीं पे आर होता है आपका जो क्षैतिज परास होता है, क्षैतिज परास होता है, ठीक है। और एच जो होता है ये होता है आपकी महत्तम ऊंचाई, क्या होती है महत्तम ऊंचाई होती है, ठीक है। तो इनसे संबंधित अब फार्मूला हम लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हम पहले भी बात करें तो पहला यहाँ पे जैसे आपका महत्तम ऊंचाई, महत्तम ऊंचाई की बात करें जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं एच से, तो एच बराबर आपका होता है यू स्क्वायर साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपान टू जी, ठीक है। ये किसके लिए महत्तम ऊंचाई के लिए है। दूसरा अगर हम बात करें ठीक उड्डयन काल, उड्डयन काल, तो उड्डयन काल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं टी से, तो टी बराबर आपका होता है टू यू साइन थीटा, टू यू साइन थीटा अपान जी, ठीक है। और हम तीसरे की बात करें क्षैतिज परास, क्या क्षैतिज परास की बात करें तो क्षैतिज परास को हम किससे प्रदर्शित करते हैं आपका आर से, तो आर बराबर आपका होता है, ठीक है। तो आर बराबर थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, इसको ही मिटा दे रहा हूँ, यू स्मॉल जी, आर बराबर आपका होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपान जी, ठीक है। ये होता है आपके क्षैतिज या प्रक्षेपी गति से संबंधित फार्मूले। अगर कोई पूछे आपसे कि महत्तम ऊंचाई कब होगी, तो जब महत्तम ऊंचाई के लिए थीटा का मान क्या होगा, तो महत्तम ऊंचाई के लिए थीटा का मान क्या होगा 90 डिग्री, कितना होगा 90 डिग्री। अगर कोई पूछे क्षैतिज परास के लिए कितना कोण होगा, तो 45 डिग्री, ठीक है। कि कब कितने कोण से फेंका जाए कि जो वस्तु है ज्यादा दूरी तय करे, तो 45 डिग्री होता है। एक और यहीं पे हम लिख लेते हैं, एक चौथा फार्मूला यहीं पे और लिख लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, जब कोई एक वस्तु समान क्षैतिज परास पे फेंकी जाए, उसकी मतलब आर जो है समान रहे और जिस कोण पर फेंका जाए थीटा का मान क्या हो अलग अलग हो, कहने का मतलब ये है कि थीटा का मान अलग अलग कोण पर फेंका जाए वस्तु, और जो क्षैतिज परास का समान हो, तो उस समय उन दोनों वस्तुओं की जो ऊंचाई हो अलग अलग हो। तो उसके लिए जो एक फार्मूला होता है आपका क्षैतिज परास आर बराबर 4√H1 और H2, ठीक है। तो ये आपके प्रक्षेपगत से संबंधित फार्मूले हैं। तो चौथा टॉपिक हम बात कर लेते हैं अभी यही तुरंत। तो चौथा टॉपिक अगर हम बात करें तो आपका जैसे कार्य सामर्थ्य हम ऊर्जा से ले लेते हैं, कहाँ से कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा। तो टॉपिक वाइज हम पढ़ेंगे तो हमारा सूत्र भाई देखो क्लियर होता रहेगा, ठीक है। तो कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा की हम बात करें तो उसमें जो इम्पोर्टेंट सूत्र है उसको लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो कुछ जैसे सैंपल होते हैं आपका सैंपल भी लिखा दे रहा हूँ, किसको किससे प्रदर्शित किया जाता है। कार्य, कार्य को हम किससे प्रदर्शित करते हैं W से, ठीक है। यहाँ पे विस्थापन होगा, विस्थापन को हम किससे प्रदर्शित करेंगे B से, ठीक है। बल होगा, बल को हम किससे प्रदर्शित करेंगे F से, ठीक है। और सामर्थ्य, सामर्थ्य की हम बात करें तो सामर्थ्य को हम किससे प्रदर्शित करते हैं P से, ठीक है। तो और देखिए जो समय होगा यहाँ पे, समय को हम यहाँ पे किससे प्रदर्शित करेंगे टी से, ठीक है। तो ये कुछ सैंपल है जिसको हम प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए फार्मूला जो है आपका, पहला कार्य, कार बराबर बल गुणे क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, कार बराबर क्या होता है बल गुणे विस्थापन, यानी कि W बराबर एफ इंटू डी, ठीक है। और अगर हम बात करें तो इस दूसरा फार्मूला नंबर, तो एक कार जब किसी कोण पर फेंका जाए, जब किसी कोण पर वस्तु को फेंका जाए, तो कार बराबर होता है W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा, ठीक है। तीसरे फार्मूले की हम बात करें तो आपके जैसे यहाँ पे लिखा है सामर्थ्य, सामर्थ्य को हम P से, P बराबर W अपॉन क्या होता है T,
और यही पर अगर हम बात करें इसको कुछ और इस प्रकार से लिखते हैं, डब्ल्यू बराबर क्या होता है एफ इंटू डी कॉस थीटा बटे टी, या इसी को हम लिख सकते हैं एफ इंटू डी बटे टी। ठीक है, तो ये आपके सामर्थ्य का फार्मूला है। ठीक है, अब इसके आगे और हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो देखो चलिए और शुरू करते हैं। आप देखिए आगे और कुछ फार्मूला लिखा देता हूँ, जैसे इसके बाद कि गतिज ऊर्जा को हम क्या यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, के से। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा के बराबर आपका होता है हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। स्थितिज ऊर्जा हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा को पीई पोटेंशियल एनर्जी, या इसी को हम यू से डिनोट करते हैं, एम जी एच होता है। ठीक है, गतिज ऊर्जा एक यहीं पे और संवेग पढ़ लेते हैं, संवेग, संवेग बराबर क्या होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणे क्या होता है आपका वेग। ठीक है, द्रव्यमान गुणे क्या होता है वेग। आवेग की बात कर लेते हैं तो आवेग बराबर यहीं पे होता है बल गुणे, बल गुणे समयांतराल, बल गुणे समयांतराल। ठीक है, और एक ऊर्जा का समीकरण, आइंस्टीन के ऊर्जा का समीकरण क्या होता है ई बराबर एम इंटू सी स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर आप कोई आपसे पूछे कि के तथा पी, पी मतलब ये संवेग, गति ऊर्जा तथा संवेग में संबंध क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, तो ये होता है आपका के बराबर पी स्क्वायर बाई टू एम। क्या होता है के बराबर पी स्क्वायर बाई टू एम होता है। तो बस आज यहीं तक, ठीक है, तो बस आज यहीं तक आप